हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल एनसीईआरटी बुक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए जो सरकार है वो बेरोजगारों को धोखा देती आ रही है। अब यहाँ पर उत्तराखंड शिक्षा विभाग भी धोखेबाज बन गई है, क्योंकि शिक्षा विभाग भी कह रहा है कि बिल्कुल भी हमें नहीं पता है कि जो मेरिट लिस्ट है वो कैसी तैयार करनी है, कि ईयर वाइज करनी है कि टेट वाइज करनी है, ये भी विभाग कह रहा है। जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियो में यहाँ पे कुछ आवर्स पहले आपको बताया था कि जो कुमाऊं के यहाँ पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में से यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई थी कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमको पता भी नहीं है बिल्कुल कैसे यहाँ पर मेरिट लिस्ट बननी है। और इससे आपको बता दूँ कि जो नई जो भर्ती होने वाली थी, यहाँ 1500 की समथिंग जो भर्ती थी नई भर्ती, उस पर भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रोक लग सके उस पर, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस जारी किया था इन्होंने कि अगस्त में यहाँ पर फिल हो जाएगा ऐसा करके, तो अब अगस्त में ये फिल बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जुलाई ख़त्म होने को आधा महीना जुलाई का चले गया ऑलरेडी। और आपको बता दूँ कि अभी तक भर्ती नहीं निकल रही है और अगस्त में जो है यहाँ पर नई रिक्ति की बात कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर पुरानी वैकेंसीज के जो मेरिट लिस्ट है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं किया गया है। तो ऐसे में देखना है कि मिल सकता है कि यहाँ पर जो भर्ती है वो रुक सकती है। आप सभी से एक मेरा निवेदन है, सभी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट की जो DEO ऑफिस है उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जो वीडियो में कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का मैंने बताया था कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में बताया था। तो आप लोग भी एक काम कर सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ के नियरेस्ट हो वो व्यक्ति जाकर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि एक्चुअल में उन्होंने कहा क्या है, या मेरे व्हाट्सएप में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सर वहाँ क्या कहा है, उन्होंने स्टेटस क्या कहा है। तो आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं वहाँ पर कि जो मेरिट लिस्ट का जो स्टेटस है एक्चुअल में कहाँ तक पहुँचा है, प्रोसीड कहाँ तक हो रखा है, उसके बारे में हम चेक कर सकते हैं जो वहाँ के नियरेस्ट लोकल यहाँ पे कैंडिडेट हो, क्योंकि सभी को चाहते हैं कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकले। तो सभी वेट कर रहे हैं कब से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मार्च अप्रैल से भर्ती निकली है तो अभी तक यहाँ पर मेरिट लिस्ट बिल्कुल भी नहीं निकला है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फिल कर रखा है तो वो अपने जो DEO ऑफिस है वहाँ पर चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। और आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर वो इनका जो स्टेटस आता है क्या आता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या आती है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चाहे तो आप व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में डिस्कशन। तो वहाँ से प्रतिक्रिया क्या आ रही है आप लोग पूछ सकते हैं। और फिलहाल मैं खुद पूछ लिया था, लेकिन मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट में अभी हूँ जहाँ पर ये जो रिक्तियाँ हैं विज्ञप्तियाँ हैं बिल्कुल भी नहीं निकली थी उस टाइम पर, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हूँ मैं। तो आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। और मैंने पहले हरिद्वार में चेक किया था तो उनका जो स्टेटस था मैंने आपको बता दिया था, ऐसा ऐसा वहाँ उन्होंने कहा था मेरे साथ। तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं। और आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर भर्ती है और ठीक है, तो आंदोलन के मूड में बेरोजगार, तो अभी जो भर्ती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेरोजगार यहाँ पर आंदोलन करने के कगार में है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से जो है भर्तियाँ निकली नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो भर्ती निकलने के बाद से जो आपके जो है मेरिट लिस्ट बिल्कुल भी नहीं निकली है। कभी कहते हैं कि टेट की बाध्यता ख़त्म हो गई है, कभी कहते हैं कि ये कि टेट से ही होगी, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है इस चीज़ में। तो सरकार और विभाग दोनों ही आपको मिलकर जो है वो ठगा जा रहा है बेरोजगारों को, क्योंकि हमारे जो पैसे हैं वो ले लिए गए हैं। और भर्ती के बारे में बिल्कुल भी अभी कोई भी जिक्र नहीं है, मेरिट लिस्ट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वहाँ से चेक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर नरेंद्र राय ने बता रखा था कि आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरिट के आधार पर करें या किस आधार पर हम मेरिट बनाए, इन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ पे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट वाले ने कहा था कि हम जो है उस पर काम कर रहे हैं, मेरिट बनाने पे काम कर रहे हैं, ऐसा कहा था TAT बेस पे। तो आप लोग भी चेक करके कह सकते हैं वहाँ पे क्या स्टेटस है और क्या उन्होंने कह रखा है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको हेल्प करें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये पता चले, जो कि वहाँ के लोकल निवासी हैं वो ज़रूर जाकर पता कर सकते हैं वहाँ पे। और कमेंट ज़रूर कर देना इसमें कि उन्होंने क्या कहा, ताकि मैं सभी को बता पाऊँ कि एक्चुअल में उनका क्या रहा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही था।